तो दोस्तों हम बालोतरा रोड सिवाना जो है वहाँ पर आ गए हैं और अब यहाँ पर हम करेंगे लंच यानी दोपहर ही यहाँ पर करेंगे नाश्ता। हम जोधपुर से करके रवाना हुए थे आर्यन होटल एंड रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, यहाँ पर हम जो है अब खाना करने वाले हैं क्योंकि मैं और प्रवीण तो कुछ माल मसाला खा के आए थे लेकिन ओमो रात लेट आयो और इन वास्ते ओमो और प्रवीण दोनों कैमरे ला रहे हैं, आने भी पर्ची कराऊँ इन वास्ते। अब जो है अटे खानों खा लें और भी बाद में अगली यात्रा आप शुरू करें। बहुत शानदार रेस्टोरेंट बालोतरा और सिवाना रोड पे, सिवाना से जस्ट पास में ही अरियंत होटल एंड रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी भोजनालय यहाँ पर है। तो आइए यहाँ पर करते हैं लंच, क्या है मेनू वगैरह वो भी बताते हैं आपको। चलते हैं इस होटल के अंदर और देखते हैं इस होटल का मेनू क्या है। होटल का इंटीरियर लुक बहुत शानदार है और बहुत सारे लोग यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, देख के तो काफ़ी अचानबू हो रहा है कि होटल अच्छा है। लेकिन मैंने प्रवीण को बोला कि मेनू कार्ड तो पकड़ा दे, हम लेट हो रहे हैं क्योंकि होटल वाले लाते लाते लाएंगे। हालांकि मुझे खाने का इतना ज़्यादा शौकीन नहीं हूं मैं, इसलिए मेरे लिए खाना सेलेक्ट करना किसी अन्य में यानी मेरे साथ प्रवीण और मनीष सॉरी ओम प्रकाश दोनों हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं देखता हूँ कि मैं क्या इनके लिए सेलेक्ट कर पाता हूँ। तो फिर हम एक काजू कड़ी ऑर्डर कर रहे हैं और इसके साथ ही एक मिक्स वेज जो है वो हम ऑर्डर कर रहे हैं। ओम प्रकाश का फेवरेट जो है काजू कड़ी था तो इन्होंने बोला कि काजू कड़ी ले लो। हमारा खाना आ गया है, मैं मोबाइल के अंदर वीडियो आपको पता एडिट करने के लिए लग गया था, खाना आ गया तो भोजन फर्स्ट बाकी काम बाद में। अब बंदर बांट मेरे हिस्से में ही आई है क्योंकि मैं इनमें सबसे बड़ा हूँ तो इनको मुझे विश्वास है मुझ पर कि ये जो बांट करेंगे वो सबके लिए बराबर करेंगे। तो मैं इन सभी के लिए भोजन परोस देता हूँ और खाना देखने में तो अच्छा लग रहा है। ये पहले चुपड़ी हुई रोटी ले आए थे लेकिन हमने बगैर चुपड़ी रोटी मांगी तो फिर दोबारा चेंज कर दी है और जो बर्तन है वो बड़ा अजीब गरीब नाम सा बना हुआ है और खाने का टेस्ट जो है थोड़ा और बढ़ा लेते हैं नींबू डाल के। और सलाद जो है यहाँ के जो रेगुलर मिलते हैं वो ही खाया हमने और खाना अच्छा है, टेस्टी है, बहुत शानदार खाना इस होटल में बनाया। और खाना अब हमारा हो गया है और अब हम जो है वॉश बेसिन में हाथ धो लेते हैं अपने। कितना भी होटल में जाएं पर डाउन टू अर्थ रहें तो बहुत अच्छा रहता है। तो अब खाना हो गए हैं, भाई साहब को पूछा तो 615 रुपये हमारा पूरा बिल बना है। पूछा दे दे तो दे ना तो दोस्तों हमने यहाँ पे भोजन कर लिया है और मैंने कपड़ा पहना दिया है और अभी हम आगे के लिए रवाना है और खाना ठीक था, एवरेज खाना था। अब आगे हम चलेंगे पिनमाल की तरफ और लगभग 100 किलोमीटर का सफ़र हमारा और बचा है। 100 किलोमीटर और बचा है और 2-2.5 घंटे और लगेंगे हमारे को। अब चलाता हूँ मैं गाड़ी, अभी तक तो प्रवीण चला रहा था पर अब मैं चलाता हूँ। लेकिन नहीं, मेरे को एक वीडियो एडिट करना है, गाड़ी प्रवीण ही चलाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आगे का सफ़र और दिखाएंगे आपको।